देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीनेशन के लिए आज से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। 1 मई से लगाई जाएगी वैक्सीन। ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट की दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार, कहा जनता का विश्वास डगमगा रहा। हालात नहीं संभल रहे तो बताएं, हम केंद्र को कह देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का बयान, जजों के लिए 5 स्टार होटल में 100 बेड्स की सुविधा कभी नहीं मांगी। किटकिटी के बाद दिल्ली सरकार का फैसला वापस। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 ऑक्सीजन रिफिलर्स को अवमानना का दिया नोटिस, सुनवाई में नहीं आने पर हाईकोर्ट का नोटिस। देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या वैक्सीनेशन सबसे बड़ा विकल्प। देश में कोरोना संकट के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। देश में मौजूदा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित करने के निर्देश दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को मदद का दिया भरोसा, कहा पीएम मोदी के साथ हुई लंबी बातचीत, भारत को मदद की पूरी रेंज भेजी जा रही है। अमेरिका में वैक्सीन लगवाने वालों को अब नहीं पहनना होगा मास्क, लेकिन भीड़ से दूर रहने की दी गई सलाह, राष्ट्रपति ने जारी किया आदेश। भारत में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी रूस से होगी पूरी। रूसी कंपनी 1 मिलियन इंजेक्शन भेजेगी भारत, रूस की सरकार से मंजूरी मिलना है बाकी। ऑक्सीजन सप्लाई में दिन रात जुटी है इंडियन एयरफोर्स, जामनगर, रांची और भुवनेश्वर सरीखे शहरों से कर रहे सप्लाई, दुबई और सिंगापुर से लाए जा रहे ऑक्सीजन टैंकर। कोरोना संकट पर सीएम योगी ने की वर्चुअल मीटिंग, सरकारी प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ आईएमए के प्रतिनिधियों से की बात, कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर किया मंथन। कोरोना टेस्टिंग के मामले में देश में पहले स्थान पर यूपी, अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के हो चुके हैं कोरोना टेस्ट। राज्य में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा हुआ 3 लाख के पार। भारत में नहीं रुक रही जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी, रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में गाजियाबाद से 3 गिरफ्तार, मोहम्मद अल्तमश था गैंग का मुखिया। गाजियाबाद पुलिस ने 70 रेमडेसिविर और 36 लाख रुपए के बरामद, एक इंजेक्शन को 50,000 में बेचते थे आरोपी। उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी, मंगलवार को रिकॉर्ड 5,703 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि, इस दौरान 96 लोगों ने गवाई जान। हरिद्वार में लागू होगा लॉकडाउन, शाही स्नान समाप्त होते ही प्रशासन ने लिया फैसला, 3 मई तक हरिद्वार में कर्फ्यू, सिर्फ जरूरी सामान की होगी खरीदारी। उत्तराखंड में अब नहीं होगी रेमडेसिविर की कमी, अहमदाबाद से देहरादून पहुंचे 7,500 रेमडेसिविर, 72 घंटे में 11,000 डोज पहुंचे उत्तराखंड। मुंबई में 18 से 45 साल तक के युवा प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवा सकेंगे वैक्सीन, वैक्सीनेशन के लिए खर्च करने होंगे 250 रुपए, बीएमसी ने जारी की प्रेस रिलीज। महाराष्ट्र में कोरोना के 66,300 नए मामले, 24 घंटे में 900 मरीजों ने तोड़ा दम, लॉकडाउन के बावजूद प्रदेश के कोरोना मामलों में नहीं आ रही कोई कमी। दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल ने जारी किया आदेश, हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव तो तुरंत मिलेगा बेड, सफदरजंग अस्पताल से भी आया हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए आदेश। स्टाफ की कमी से जूझ रहे दिल्ली के अस्पतालों को मिलेगी राहत, 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा स्टाफ, कोविड अस्पताल प्रमुख लेंगे फैसला। अलीगढ़ में ई रिक्शे पर बेटे के सामने हुई पिता की मौत, जिला अस्पताल ने कर दिया था मरीज को रेफर, ई रिक्शा में ही बुजुर्ग ने तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कोरोना से हालत खराब, नहीं मिली एम्बुलेंस तो मां के शव को बाइक पर शमशान लेकर पहुंचा बेटा। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में कोरोना विस्फोट, 50 से ज्यादा अफसर और कर्मचारी पाए जा चुके हैं पॉजिटिव, प्राधिकरण का कामकाज हो रहा प्रभावित। महाराष्ट्र में बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, उद्धव कैबिनेट की आज हो सकती है चर्चा, महाराष्ट्र में 24 घंटे में 895 लोगों ने करवाई जान। महाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके में बने एक निजी अस्पताल में आग, 3 मरीजों की मौत, वक्त रहते कई लोगों को बचाया गया, राहत का काम जारी।
आगरा से ऑक्सीजन के दो खाली टैंकर भेजे गए रांची। एयरफोर्स के विमान से रांची भेजे गए खाली टैंकर, 32 टन ऑक्सीजन लेकर आएंगे दोनों टैंकर। वाराणसी में दवा की कालाबाजारी पर पुलिस की कार्रवाई, रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार, 15,000 रुपए में बेच रहा था रेमडेसिविर इंजेक्शन। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, कोरोना संक्रमित की मौत के बाद मृतक का कराया अंतिम संस्कार, बेटी ने दी मुखाग्नि। मऊ में 1,00,000 रुपए का इनामी बदमाश ढेर, 80 से ज्यादा मुकदमे थे दर्ज, कई राज्यों की पुलिस को थी तलाश। हरदोई के सतौथा गांव में बोरवेल में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत, खंडों से लड़े रेस्क्यू के बाद भी नहीं बची जान, भाई के साथ खेलते वक्त बोरवेल में गिरा था मासूम। हाथरस के 3 गांव में शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 8 की बिगड़ी तबियत, 6 लोग अलीगढ़ रेफर, कुल देवता की पूजा के लिए खरीदी गई थी शराब, आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव में जीत के लिए वोटरों को लड्डू बांट रही थी प्रत्याशी, एसडीएम ने छापा मारकर जब्त की सारी खाद्य सामग्री। मिर्जापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मकान की छत गिरने से 5 लोगों की मौत, पुराने मकान में किराए पर रह रहे परिवार के साथ हादसा, 10,00,000 की आर्थिक मदद का ऐलान। झांसी में कानपुर हाईवे पर अज्ञात वाहन ने एक टैक्सी को मारी टक्कर, टैक्सी सवार 2 महिलाओं की मौत, 6 लोग जख्मी। भूकंप के तेज झटकों से दहला असम, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 मापी गई, गुवाहाटी और सोनितपुर में दहशत का माहौल। दुनिया के कई देशों में दिखा सुपर मून, 2021 के पहले गुलाबी रंग के सुपर मून को ऑस्ट्रेलिया में सिडनी समेत कई शहरों में देखा गया।